स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है पावर प्लेस की, जहाँ पे हम दो दो स्टॉक्स बताते हैं। और पावर प्लेस का पहला स्टॉक है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। इसको हमने इसलिए चुना है, देखिए एक बड़ी छोटी सी खबर थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। केयर रेटिंग ने इनकी जो रेटिंग्स है वो रिवाइज करी, लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है डबल पी प्लस स्टेबल कर दिया है, जो पहले सिर्फ डबल बी स्टेबल थी, एक नॉच ऊपर किया है। और वैसे ही शॉर्ट टर्म की जो रेटिंग है उसको भी ए फोर प्लस किया है, ए फोर से। तो ये दो रेटिंग बढ़ना बहुत ही पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जैसे आपकी रेटिंग बढ़ती है तो आपके लिए फंड रेज करना इजी हो जाता है, आपके बॉन्ड बेचना इजी हो जाता है, एनसीडी लाना आसान हो जाता है। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर है। वोडाफोन आइडिया पर डालिए, और फाइनली अब इनको भी ये समझ में आ गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा तैयार किया गया है टावर और OFC का, उसको रखने का फ़ायदा नहीं है, उसको ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपये उसको बेच के जुटाएंगे, हिस्सेदारी बेचेंगे और उससे अपना कर्ज उतारेंगे। कर्ज इनके ऊपर करीब 1,25,00,000 करोड़ का है। ध्यान रखिएगा, जो भी इस काम में कंपनियां लगी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में टेलीकॉम के, उसमें निवेश से बचिएगा। वहाँ पे अब चूंकि किराएदार बहुत कम रह गए हैं तो रेंटल यील्ड आएगी नहीं, तो इसलिए सब लोग अपने आप को इससे ऑफलोड करना चाहते हैं। तो वोडाफोन के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है, 2 रुपये ऊपर के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पावर प्लेस कौन से हैं, ध्यान रखिए आपका जो फेवरेट शो है पहला सौदा, जो 9 बजे से 10 बजे तक आप लोग लगातार देखते हैं, और कमाई के हम बेहतरीन मौके 9:15 से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, अब हम इसका समय आधे घंटे और बढ़ाने जा रहे हैं। तो 9 बजे नहीं, अब 9:30 बजे, 10 बजे नहीं, 10:30 बजे तक दरअसल आपको देखना है पहला सौदा CNBC आवाज़ के साथ। तो समय बढ़ रहा है, और समय बढ़ने का मतलब है ज़्यादा ट्रेडिंग, और ज़्यादा ट्रेडिंग का मतलब है ज़्यादा पैसा आपके लिए। तो कमाई के मौके ज़्यादा मिलने वाले हैं आज से आपको CNBC आवाज़ पर, पहले से भी ज़्यादा। चलिए आर इंफ्रा पर रखिएगा नज़र और आर पावर पर रखिएगा नज़र, ये दोनों पावर प्लेज हैं जिनमें एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। ये बाउंस बैक कैंडिडेट्स हैं दरअसल, और आप देखिए जो बहुत शेयर पिट जाते हैं उनमें बाउंस बैक भी बहुत ही तगड़े आते हैं। मिसाल के तौर पर याद करिए, पिछले हफ्ते ZEE Entertainment 20% की तेजी बनी, डिश टीवी में 35% की रैली देखने को मिली, DHFL में 10% की जोरदार तेजी बनी। तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक बढ़िया रैली पिछले हफ्ते देखने को मिली है। ग्रू फाइनेंस आप याद करिए 14% पिछले हफ्ते दौड़ लगा गया, और ये तब था जब मिड कैप इंडेक्स में जोरदार करेक्शन देखने को मिल रहा था। तो आज हमें लगता है कि एक रिलीफ का दिन हो सकता है ADIG शेयरों को। नीरज ने 2 स्टॉक्स अपनी टीम में शामिल किए थे, मैं आर इंफ्रा पर इसलिए भरोसा कर रहा हूं क्योंकि ये दरअसल पिछले हफ्ते 52% तक घट चुका था, और जैसे कि खबरें हमने आपको आज सुबह सुबह बताई कि गिरवी रखे हुए जो लेंडर्स जिन्होंने शेयर गिरवी रखे थे उसमें 90% लेंडर्स मान गए हैं कि अभी हाल फिलहाल वो शेयर इनके बेचेंगे नहीं। तो फिर एक रिलीफ बन सकती है इन तमाम शेयरों में, शॉर्ट्स जो हैं वो कवर हो सकते हैं। आर पावर को भी इसीलिए हमने अपनी टीम में आज जगह दी है, ये भी वाइल्ड मूव्स ऊपर की तरफ आज के सत्र में दिखा सकता है। तो इन दोनों के ऊपर भी रखिएगा नज़र। पूरी टीम लाते हैं आपके सामने और बताते हैं कैप्टन्स चॉइस का दर्जा कौन से स्टॉक को मिल रहा है। तो 2 गेंदबाज हैं और बाकी सारे बल्लेबाज, नीरज बताइए। बल्लेबाज के साथ ही जाएंगे, और जो खबर ADAG की है वो पॉजिटिव लग रही है। रिलायंस इंफ्रा इसमें खरीदारी करिए, 2 मेरी टीम भी है, 2 इसमें भी है, खरीदारी कर सकते हैं आप। लक्ष्य जो आपने दिया मुझे लगता बहुत आसानी से अचीव होना चाहिए, बस एक ही राइडर है कि आज ही सौदे को निपटा दीजिएगा, ले के मत जाइएगा। तो ये इस हिसाब से ट्रेड रखिएगा, 124 टारगेट डेफिनेटली अचीव होगा। मेरी टीम में बताइए इसमें कौन सा पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं लेकिन दिन तो ADAG का ही है, और ये राइडर जो नीरज बता रहे हैं वो एक स्टॉक के लिए नहीं, सभी के लिए। 2020 के जितने भी शेयर हैं, ध्यान रखिए ये इंट्राडे के पिक्स हैं, ये लॉन्ग टर्म पिक्स नहीं है। कोई शेयर अगर लॉन्ग टर्म होता है तो हम साथ में बता देते हैं, लेकिन जनरली हम यही मानकर चलते हैं कि आप दिन के अंत तक इन सारे शेयरों को निपटा कर ही जाएंगे। स्टॉप लॉस को उतना ही जरूरी है जितना जरूरी टारगेट है। आर कैप पर रखिएगा नज़र, ये स्टॉक भी एक बड़ा बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन देखिए अगर ये बहुत ऊपर खुल जाएं और टारगेट हमारे खुलते ही हासिल हो जाएं तो फिर इसके ऊपर पुनः विचार हम जरूर करेंगे। तो इसीलिए आपको देखना है CNBC आवाज़ पहला सौदा, क्योंकि तब ये शेयर दरअसल गैप अप ओपनिंग दिखा रहे होंगे। तो ये वो स्टॉक है जो आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा सकता है। मेरी पूरी टीम पर नज़र डालिए, बल्लेबाजों से शुरुआत करिए। हमने आज अपनी टीम की कच्चे तेल में जिस तरह से 2019 में 25% की रैली देखने को मिली है, ब्रेंट क्रूड जिस तरह से ओवर द वीकेंड भागा है, जिस तरह से ग्लोबल चिंताएं सुलझ रही हैं, कच्चा तेल भी देखिए कुछ हाल दिखाने की प्रक्रिया में अब आ गया है। तो इसीलिए डॉल्फिन ऑफशोर, ड्यूक्स ऑफशोर, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, सेलान एक्सप्लोरेशन, जिंदल
ड्रिलिंग और HOEC, ये वो पॉकेट है जो आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो ऑफशोर सेक्टर जो है वो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, इस पर रखिएगा नजर। कच्चे तेल की तेजी का मतलब एविएशन कंपनियों के लिए खराब खबर, तो इंटरग्लोब एविएशन को आज शॉर्ट कट साइड पर चुना है। बर्जर पेंट जैसे शेयरों में भी थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन एक बाउंस बैक कैंडिडेट है ADAG पैक, जो अच्छी खबर आई है यहाँ पर। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर जैसे स्टॉक्स में एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है आज के सत्र में, क्योंकि गिरवी रखे हुए शेयर हाल फिलहाल जो लेंडर्स हैं वो नहीं बेचने वाले, इस तरह का समझौता इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया गया है, ये जानकारी दरअसल कंपनी ने सार्वजनिक करी है ओवर द वीकेंड। तो आज ये पॉकेट जो है वो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। खरीदारी पर ही फोकस मेरी टीम में भी है, केवल एक यहाँ पे सेल कॉल है यस बैंक की तरफ से, जहाँ RBI नाराज है कि उन्होंने उस रिपोर्ट को जो सार्वजनिक किया है उसमें सेलेक्टिवली किया और गलत था वो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी। टेक महिंद्रा में खरीदारी करिए क्योंकि यहाँ बाईबैक है, गुरुवार को इस पर विचार होगा। डॉक्टर रेड्डीज की द्वारा प्लांट को USFDA ने क्लीन चिट दे दी और उनका कहना है कि जो हमने आपत्तियाँ की थी उसको कंपनी सुधार रही है और अब कोई ज़रूरत नहीं है उसमें किसी जाँच की। जेट एयरवेज में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो इनके कई निवेशक हैं वो पैसे डालने के लिए तैयार हैं, राइट्स इशू आएगा आधे प्राइस पे, तो इस तरीके से गाड़ी अब इनकी चलने की तरफ बढ़ चुकी है। PNC इंफ्रा को 225 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर PWD की तरफ से मिला है, तो खरीदारी कर सकते हैं। डिपेंडेबल तौर पर ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, इनकी भी बहुत अच्छी लॉटरी लगी है, करीब करीब 150 करोड़ रुपये सालाना प्लास्टिक के चीज़ें सप्लाई करने के लिए एक बड़ी कार कंपनी, बड़ी ऑटो कंपनी से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फ्रीड के तौर पर रिलायंस कैपिटल को रखिए यहाँ पे, क्योंकि रिलायंस कैपिटल में अब जो है आज मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि तमाम लेंडर्स ने इनके शेयर नहीं बेचने की बात कही है सितंबर तक, जो प्लेस शेयर रिलायंस होम फाइनेंस भी इसीलिए खरीदारी कर सकते हैं। वालचंदनगर के 2 नॉच इनकी रेटिंग्स को ऊपर किया है केयर ने, वो एक बड़ा पॉजिटिव। और वोडाफोन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में कुछ बिकवाली करना चाहता है स्टेक, जिससे 20 करोड़ जुटाएगा और उससे अपने कर्ज को कुछ कम करेगा, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है।